नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज की क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हो साथियों कि जो आज का हमारा न्यूज़पेपर था उसमें भी टीचिंग से संबंधित न्यूज़ थी। और आज ही नहीं, लगभग जब से रिजल्ट आया हरियाणा बोर्ड का, उस वक्त से जब से हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया, क्योंकि डाउन था तो जिसकी वजह से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सुर्खियों में है और डेली हमें कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिलती है। तो आज तो छोटी सी न्यूज़ है लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इसके बाद हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मान लो लास्ट ही क्लास रहेगी जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, और एक आधा कोई रूल छूट गया है किसी वजह से स्किप हो जाता है तो वो रूल आज मैं आपको करवा दूँगा। तो आज हमारे कंवरपाल जी गुज्जर जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि 7400 पोस्टें तो TGT वाली पूरी करेंगे। जो 7400 पोस्टें हमारी TGT की चल रही हैं वो जून तक वो पूरी परफेक्ट रूप से उसकी ज्वाइनिंग है वो करवा देंगे। इसके अलावा 4000 यानी कि PGT 4000 जो PGT की होनी है HPSC के द्वारा, वो जल्द ही नोटिस आएगा और उसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे और उसकी भी ज्वाइनिंग होगी। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ है कौशल वालों के लिए कि 9000 पद हैं वो कौशल के द्वारा, क्योंकि साथियों मैं हर बार बताता हूँ कि मैं फैक्ट के ऊपर ही काम करता हूँ कि 7400 तो हमारी चल रही है, ये तो होंगी, इन्हें तो कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि कल वाले केस था वो भी डिसमिस हो गया, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि भोपाल सिंह खत्री, और इन्होंने पहले ही कोर्ट में कह रखा है कि कोई बेसलेस अगर केस आएगा तो उसको क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। और कल का आपने देखा जो केस लगा हुआ था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये फैक्ट पे आधारित डाटा है। तो 7400 तो ज़रूर लगेंगे, ये तो 100% है। इसके बाद 4000 की भर्ती है वो जल्दी हमें देखने को मिलेगी, प्लस 9000 यानी कि जब ये दोनों भर्तियां पूर्ण हो जाएगी तो इसके अलावा 9000 पद और हैं जो TGT PGT से भरे जाने हैं, यानी कि टोटल ये कितनी हो जाती है हमारी, ये तो होगी मान लो 16 4 20, यानी कि 20000 टीचर हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिए जाएंगे। 20000 के करीबन जो पद है वो कहाँ लिए जाएंगे, हमारे सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे, पहला तो रेगुलर भर्ती से, फिर PGT से, और बाकी 9000 बचे हुए पद हैं वो किससे भरे जाएंगे, कौशल रोजगार से। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो कहते भी कि सर आप 2 दिसंबर को जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके बारे में वीडियो नहीं बनाते हो। तो साथियों जैसे ही ये रेगुलर भर्ती होगी तो कौशल के द्वारा भी आपको भर्ती है वो देखने को मिलेंगी, जो कमी रह जाएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो कौशल के द्वारा भर दी जाएगी। तो साथियों ये तो छोटी सी खबर थी और आगे हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहला है कि द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज, हमें गो या गोज एक वर्ब की फॉर्म इसमें फिल करनी है। तो मैंने ये रूल आपको बता दिया था कि आर्टिकल हो प्लस में नाउन हो, आर्टिकल हो प्लस में नाउन हो तो हम उसको क्या मानेंगे, अलग अलग मानेंगे। अगर एक ही आर्टिकल दिया होता, यहाँ दा होता और यहाँ दा नहीं होता तो उसको हम सिंगल यूनिट मानते, एक पर्सन मानते, लेकिन ये अलग अलग पर्सन है यानी कि बॉय अलग है और गर्ल अलग है। तो यहाँ जो वर्ब की फॉर्म है वो प्लूरल बन जाएगी, यानी कि गो की जगह गोज की जगह क्या आ जाएगा, गो। यहाँ हम क्या लगाएंगे, गो, क्योंकि हमारे ये दो व्यक्ति बन गए, बॉय अलग है और गर्ल अलग है, दो व्यक्तियों के लिए हम बहुवचन क्रिया प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ दा नहीं लगा होता तो वो सिंगल यूनिट होता, सिंगुलर नाउन को वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता। फिर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश कम, तो हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना है यानी कि टेंस का ही प्रयोग करना है। तो ये रूल मैंने आपको बताया हुआ है, ए नंबर ऑफ आ जाए, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, तो इसको हमेशा आपको बताया था, हमेशा इसके बाद जो क्या होगा प्लूरल नाउन आपको देखने को मिलेगा, प्लस में यहाँ ए ग्रेट नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हैव फिल कर देंगे, क्योंकि ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जब भी प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन आता है तो उसमें हम हमेशा उसको
प्लूरल टेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब की फॉर्म आ जाएगी हैज़ हैव में से क्या लग जाएगा, हैव का हम प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद मिजलिस, ये भी आपको मैंने बताया था कि कुछ डिसीज़ है वो हमेशा सिंगुलर होती है, मिजलिस देस ए डेंजरस डिसीज़। तो आप यहाँ ऐसे लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या लगेगा हमारा इज लगेगा सिंगुलर के लिए, क्योंकि जितनी भी डिसीज़ होती है, मैंने बताया था रिक्स होगी, मम्स होगी, मिजलिस होती है जो लाल रंग के फोड़े हो जाते हैं उनको मिजलिस बोलते हैं। तो मिजलिस डिसीज़ के साथ क्या लगेगा साथियों, हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है, चाहे वो और भी आपको बताया था मम्प्स हो जाए या रिक्स हो जाए, ये सब हमने पिछली वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा जितनी भी डिसीज़ होती है उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर है सारे ये रूल पे ही आधारित है साथियों, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने रूल किए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है और ना ही आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ आता है। अगला देखो, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माई फेवरेट फूड, तो यहाँ क्या लग जाएगा इज लग जाएगा, क्यों लगेगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जिनको अलग नहीं कर सकते सिंगल यूनिट मानते हैं, जैसे राइस एंड करी, अगर जैसे ये भी होता है राइस एंड करी, दाल और चावल, इनको अलग नहीं मानते, इसलिए कुछ ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं इनके साथ प्रयोग किसका करते हैं सिंगुलर वर्ब का, जैसे राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरिज, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, तो सिंगल यूनिट में खाने पीने की चीज़ों को प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम किसका प्रयोग कर देंगे इसका, और ये ज़्यादा नहीं है साथियों, लगभग आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे एप्पल पाई एंड कस्टर्ड हो गया, राइस एंड करी हो गया, हॉर्स एंड कैरिज हो गया, और ब्रेड एंड बटर हो गया। तो इस प्रकार के एग्जांपल आपको एक तौर से आपको याद रखने होते हैं, और वैसे भी ये जब आते हैं तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। फिर है 10 किलोमीटर डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इज अमर में से हमें प्रयोग करना है, तो मैंने बताया था इसके साथ क्या लगा देंगे हम इज, और इज क्यों लगाएंगे, अगर रूल की बात करें तो मैंने बताया था कार्डिनल नंबर, जो कार्डिनल नंबर है 1, 2, 3, 4 प्लस में उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हम करते हैं, तो कार्डिनल नंबर हो गया प्लस में किलोमीटर्स प्लूरल नाउन हो गया, तो उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्या प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर यहाँ हो जाता 10,000s या 100 रुपीज, यानी कि ये एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दिए थे, इन सभी के साथ कार्डिनल नंबर प्लस में प्लूरल नाउन हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर वर्ब का। तो साथियों एक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, एक आपको रूल है वो रिवाइज हो गए। फिर है आइदर सचिन और डैश आई टू ब्लेम, यानी कि आइदर का और का कम्बिनेशन है, और मैंने इसका रूल आपको बताया था कि जो भी नियरेस्ट होता है, यानी कि आइदर और, इसमें दो हैं सचिन और आई, दोनों क्या है हमारे सब्जेक्ट हैं, जो नियरेस्ट होता है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर में से हम क्या लगा देंगे एम लगा देंगे, और एम क्यों लगाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो आई है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, आइदर सचिन और आई एम टू ब्लेम। ये रूल भी आपको पिछली वीडियो में मैंने कराया था, जितने रूल आपको क्लियर होंगे उतनी ईजिली आप इनका आंसर है वो करेक्ट दे पाएंगे। अगर आपने रूल नहीं किए हैं तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो ये आपको समझ आने वाला नहीं है। फिर नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो नो न्यूज़ आ गया तो हमने यहाँ क्या प्रयोग कर दिया इज़, और इज़ क्यों प्रयोग किया है, मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि नो आ जाए प्लस में प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए नो न्यूज़ के बाद क्या आया है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है। फिर है द ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट डैश डाइड, तो हमें इज एम आर में से प्रयोग करना है, तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा साथियों बताओ क्या लग जाएगा इज, क्योंकि इस बार देखो द ग्रेट आर्टिकल है वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ड्रामाटिस्ट, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है उसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। यहाँ जैसे ये एग्जांपल देखते तो अलग अलग आर्टिकल थे, तो हमने क्या प्लूरल वर्ब की फॉर्म प्रयोग की थी, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ एक तरफ आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों पर्सन क्या है सेम है, यानी कि जो
पोएट है वही क्या है, ड्रामाटिस्ट है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। फिर है पॉलिटिक्स डैश हिज चीफ इंटरेस्ट, तो इज एम आर में से प्रयोग करना है, यहाँ हम क्या लगा देंगे इज, और इज क्यों लगेगा, मैंने आपको अच्छी तरह बताया था जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये एक पेट रूल है, जैसे पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे इज का। फिर है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश टू द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ भी हम इज का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ट्रूथ और ऑनेस्टी हमेशा एक ही चीज़ को दर्शाते हैं कि ईमानदारी, ये एक व्यक्ति के अंदर गुण दर्शाए जाते हैं, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट जो रूल है मैंने आपको नहीं कराया है, आई विश डैश आई वॉज वर्ब में से प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे वर्ब, ये रूल मैं आपको साथियों थोड़ा सा बता देता हूँ, तो थोड़ा सा वैसे तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ लेकिन लिखा रहे तो आपके लिए समझने में ईजी होगा। तो देखो आई विश आई वर, वैसे तो हम आई के साथ ग्रामर के हिसाब से तो वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब टेंस है वो कंडीशनल हो, यानी कि कोई हमारी इच्छा हो जो पूरी ना हो सके, उसके लिए हम आई विश या आई वुड दैट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हमेशा आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, वर का। थोड़ा सा मैं वैसे आपको समझा देता हूँ ताकि आपका ये, क्योंकि एक रूल कई बार मैंने आपको नहीं कराया, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में एक करा दूँगा आपको। देखो साथियों, इफ़ दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो उसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, और आगे जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हमेशा जब अगर आई दिया हो और तो उसके साथ वर लगाया जाता है। अगर एस, ये तो है कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि वुड लगता है, नेक्स्ट के साथ क्या लगेगा साथियों, वुड लग जाएगा। अगर हमें यहाँ यानी कि वुड दैट दिया हो, वुड दैट या विश दिया हो आई के साथ, तो इसके बाद 100% हम किसका प्रयोग करते हैं आई के साथ, है हमें वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक इमेजिनरी वाक्य होता है, एक कंडीशनल वाक्य होता है। जैसे आपको बना के दिखाता हूँ कि काश कि मैं तुम्हारी जगह होता, तो आई विश दैट I were in place of you, यानी कि आई के साथ वर का प्रयोग किया है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपकी जगह हूँ, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेज है। काश कि ऐसा होता कि मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह होता, आई विश दैट आई वर बी इन प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये काल्पनिक वाक्य है। जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं इसमें आई विश के साथ जो कंडीशनल सेंटेंस बनता है तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, वर का। जैसे काश कि मैं एक पक्षी होता, वुड दैट आई वर ए बर्ड, क्या हम बर्ड बन सकते हैं, नहीं, लेकिन हम कल्पना तो कर सकते हैं, तो कोरी कल्पना के लिए हमेशा आई विश के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का। तो यहाँ यही सेंटेंस है, आई विश आई वर ए रिच मैन, काश कि ऐसा होता कि मैं एक अमीर आदमी होता, तो ऐसी इच्छाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आई विश के साथ, वर का। नेक्स्ट देखें, नो बॉय और नो गर्ल इज एब्सेंट, ये रूल आपने ऊपर डिस्कस कर लिया कि जब भी नो आ जाए तो नो के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, यू एंड आई, आपको बताया था एंड का प्रयोग सबसे पहली जो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास है उसमें मैंने समझाया था कि एंड से बहुत सारे सेंटेंस जुड़ते हैं, तो एंड से जब दो टेंस जुड़े हों तो उनके साथ दो मान लो नाउन जुड़े हों तो हम उनको प्लूरल मानते हैं, यू एंड आई नेबर्स, तो यू एंड आई आर नेबर्स। आर क्यों आएगा, आपको बताया था दो सब्जेक्ट हैं, दो प्रोनाउन है, एक साथ एंड से जुड़े होते हैं तो हम इसको प्लूरल मानते हैं। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और लास्ट है ऑल डैश मोर्टल, तो ऑल के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है, ऑल आर मोर्टल, सभी इंसान है वो क्या है, नश्वर है, यानी कि एक ना एक दिन उनका शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ प्रैक्टिस क्लास थी, और जैसे कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है तो उस पर प्रैक्टिस होना ज़रूरी था, और बाकी आप कोई भी बुक उठा लेना और उसको पढ़ना शुरू कर दो तो आपको ये इजीली सारी चीज़ें वो समझ आ जाएगी। अगर ये भी कर लेते हो आप तो इनमें से भी आपको 90% तक है जो रूल है, जो कंडीशनें हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो आपको साथियों क्लियर हो जाएगी। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी, टिल देन साथियों टेक केयर।